नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सम की संख्या में आप कोई भी फंदे ले लें, इवन नंबर में आप कोई भी फंदे ले लें। मैंने सिलाई में 12 फंदे डाले हुए हैं, तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है, सभी फंदे सीधे बुन लें। उल्टी लाइन में भी, यानी सेकेंड रो में भी, सभी फंदे सीधे ही बुन लें। हमें 6 लाइन सीधा सीधा बुनना है, यानी आगे से भी सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे और पीछे से भी सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे। जब हम 6 लाइन सीधी सीधी बुन लेंगे, तो हमारे पास सामने से भी 3 उल्टे फंदों की धारियां आ जाएंगी और पीछे से भी 3 फंदों की, 3 लाइन उल्टे फंदों की धारियां आ जाएंगी। तो मैं 6 लाइन बुन के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 6 लाइन दोनों तरफ से सीधा बुनने से 3 उल्टे फंदों की धारियाँ सामने से और 3 पीछे से आ गई हैं। और अब ये डिज़ाइन का 7वां लाइन है, और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। हमें बुनने से पहले ऊन अपनी ओर करना है, 2 फंदों को एक साथ लेना है और दोनों को एक साथ लेते हुए सीधा बना लेना है। ऊन अपनी ओर किया, यानी जाली डालना है, 2 फंदों को एक साथ लेना है। यहाँ पे एक फंदा घट रहा है और जाली से एक फंदा बढ़ रहा है, यानी फंदे बैलेंस हो रहा है। ऊन अपनी ओर किया, 2 फंदों को एक साथ लिया और जाली देते हुए 2 का एक किया। लास्ट में एक फंदा बचेगा, जिसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड 2 फंदा सीधा बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लिया, अगला फंदा सीधा। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे। 2 को एक साथ लिया और जाली देते हुए 2 का एक किया। देखिए, ये जाली वाला फंदा है, तो ऊन अपनी ओर करना है और इसी फंदे के ऊपर हमें जाली देना है। तो ऊन अपनी ओर किया, और देखिए ये दूसरा जाली वाला फंदा है, तो ये फंदा, इसमें हम पहले सिलाई डालेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे, देखिए ये जाली वाला फंदा है, तो यहाँ पे ऊन हमको अपनी ओर करना है और ये 2 फंदे हैं, तो जाली वाले फंदे में हमें पहले सिलाई डालना है और पहले फंदे में, यानी दूसरे फंदे में हमें पहले सिलाई डालना है और पहले फंदे में बाद में सिलाई डालना है। तो दोनों को एक साथ लिया और जाली देते हुए 2 का एक कर लिया सीधा बुनते हुए। ऊन अपनी ओर किया, ऊन अपनी ओर किया, 2 फंदों को एक साथ लिया और जाली देते हुए 2 का एक। ऊन अपनी ओर किया, और लास्ट में भी 2 फंदे हैं, तो जाली देते हुए दोनों को एक सीधा फंदा बना लिया और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे।
ग्यारहवां लाइन में फिर हमें सभी फंदे सीधे बुनने हैं, यानी ये पहला से छठा लाइन हमें सीधा बुनना है। पहला से छठा लाइन हमें रिपीट करना है, यानी ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां और पंद्रहवां और सोलहवां, इन छः लाइनों को हमें दोनों तरफ से, इन छः लाइनों को हमें सीधा सीधा बुनना है। ग्यारहवां लाइन सीधा बुन लिया गया और ये बारहवां लाइन, इसे भी हम सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। बारहवें लाइन में भी सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। इसी तरह 13, 14, 15, 16, इन चार लाइनों को भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। छह लाइन सीधा सीधा बुनने से तीन उल्टे फंदों की धारियां आ गई हैं। और अब ये 17वां लाइन है, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए। फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। इसी तरह करते हुए सारे फंदे बुन लेंगे। और लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 19वीं लाइन में दो फंदा हम, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा बनाएंगे और फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। पहले लाइन में हमने, यानी कि 17वें लाइन में हमने पहला फंदा स्लिप किया था, फिर जाली देते हुए दो का एक बनाया था। और 19वीं लाइन में दो फंदा सीधा, पहला फंदा स्लिप किया, अगला फंदा सीधा बना, तब जाली देते हुए दो का एक करना। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। फिर हमें छह लाइन सीधा सीधा बुनना है, तो 10 फंदों का ये, 10 लाइन का ये डिज़ाइन है। और फिर हमें इसी, इन्हीं 10 लाइनों को रिपीट करते चले जाना है। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। देखिए मैंने बनाया हुआ है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा। इन्हीं 10 लाइनों को दोहराने से एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में अप्लाई कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।